रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में 2 दिवसीय ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जिस फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, इन तमाम स्टॉल का जब आप मुआयना करेंगे तो उसमें झारखंड की पहचान, झारखंड की जल जंगल ज़मीन और झारखंड की शिनाख्त से जुड़ी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये भी जो है स्टॉल में, ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मड़ुआ से, जो झारखंड में ट्रेडिशनल तौर पर जो आटा यूज़ होता है मड़ुआ, उससे मोमो बनाया गया है और ये उसकी झलकी आपके सामने है। निवेदन ये है, 5 पीस जो मड़ुआ की, इसकी कीमत जो है वो 60 रुपये रखी गई है। और ख़ास बात ये है कि इसे बनाने वाले, इसे तैयार करने वाले झारखंड के ही लोग हैं और बड़ी चाव से लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इस ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में बड़ी संख्या में इस स्टॉल में लोग पहुँच रहे हैं। तो इसके संचालक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं कपिल हुआ, कपिल टोपो। अच्छा, इस मड़ुआ जो मोमो है इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्या है इसमें खास बात? खास बात ये है कि जो झारखंड में हमारा जो मड़ुआ आटा होता है जी, तो उसको कैसे एक मेन स्ट्रीम फूड में लाया जाए, वो पहल है हमारी तरफ से जी। कि अब तक क्या है कि मोमोज हम देखते आए हैं मैदा में बनता है जो कि अनहेल्दी है ना, और मोमोज ऐसा प्रोडक्ट है कि यंग ओल्ड सब पसंद करते हैं जी, जी। तो हमने फ्यूजन किया है कि लेट्स रिप्लेस मैदा विथ मड़ुआ आटा। ठीक है, तो ये हम हमारा लाइक से स्टार्टअप है मंडी अड्पा, जहाँ हम चाह रहे हैं कैसे आदिवासी खान पान को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अच्छा, तो इसमें टेस्ट वगैरह कोई डिफरेंस आ रहा है? टेस्ट इसका उससे अच्छा है। अच्छा, आप टेस्ट कर सकते हैं, जो फीडबैक है अब तक का लोग मैदा मोमो से अधिक टेस्टी बोलते हैं मड़ुआ को, ये हेल्दी भी है। जो इनर पार्ट में इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कुछ अलग है? तो आपका देखिए वेज भी हो सकता होता है, पनीर भी है अंदर में, उसके अंदर चिकन भी वेरिएंट्स है, स्वीट कॉर्न है, उसके अलावा जो भी वेरिएंट्स आप बोलेंगे बन जाएगा। लेयर विल बी डिफरेंट, लाइक आपको चाहिए मैदे का या आटे का वो भी करते हैं। अभी तक क्या रिस्पॉन्स है इसका? अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, आगे क्या करना है, इसको कहाँ तक ले जाना है? आगे हमारा प्लान तो चल रहा है कि कैसे इसको स्ट्रीट फूड बनाया जाए, आम लोगों तक इसको फेमस किया जाए। ठीक है, तो ये पहली बार हम देख पा रहे हैं ये सब, ये कब से ये चल रहा है? ये ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुआ था जी, जी। ठीक है, 2020 में फरवरी को बंद हो चुका था, तो आप बोल सकते हैं करीब 2 साल हो गए हैं। आपने इसकी कीमत 60 रुपए अबाउट है। अच्छा, है ना, अगर स्ट्रीट में है ये 50 में 6 पीसेस मिलता है। ठीक है, अभी हमने क्या 50 में विल ब्रिंग 8 पीसेस ऑल्सो जब स्ट्रीट में आएंगे, तो उस तरह से चल रहा है पहल। कैसे हम इसे एक स्टार्टअप के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसी दिशा में आता है। हाँ उसी दिशा में ये आउटलेट्स वगैरह हैं रांची में? आउटलेट्स अभी रांची के अंदर नहीं है, है ना, एक हमारा फूड पार्टनर है जिसे बोल सकते हैं, जिसे हम सप्लाई कर करते हैं। अच्छा, अपने ही वो भी है, उसका नाम है नमाय फूड्स बोल के। अच्छा, उनका स्टॉल है आपका यहाँ पर लॉयला रोड में है। अच्छा, है ना, फिर आपका एक है सामलुंग में भी खुल रहा है। अच्छा, ठीक है, वो हमारी टीम का ही है। अच्छा, तो कैसे हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आदिवासी खान पान है, जैसे ये भी तो मोमो है, डुम्बू भी है। अच्छा, वो स्ट्रीट फूड में है बिकॉज ये हेल्दी भी है। अच्छा, है ना, ठीक है। तो आपने सुना जो ट्राइबल यूथ फेस्टिवल है उसमें इस खास तरह का जो के जो स्टॉल लगाए गए हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि झारखंड में जिस तरह से मड़ुआ आटा का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, हालांकि अब शहरों में भी होने लगा है, उसी में से एक अलग तरीके से प्रोडक्ट पेश करने की कोशिश की गई है। हालांकि मोमो तो मैक्सिमम लोग है बड़े चाउस के साथ खाते हैं, लेकिन मड़ुआ का जब इस्तेमाल होता है तो उसे कितने लोग पसंद करते हैं और झारखंड के ट्रेडिशनल फूड को राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में ले जाने में कितनी सफलता मिलती है, उसकी एक कोशिश है। एक स्टार्टअप के तौर पर इन्होंने कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, वो भी अपनी सोच और अपनी फिक्र के साथ, अपने आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।